कृष्ण, वेलकम टू अविका किचन। जैसा कि आप सबको पता है, मशरूम्स का सीजन आ चुका है, तो आज हम बना रहे हैं मशरूम बिरयानी। आज हम मशरूम की दम बिरयानी बना रहे हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी। वैसे तो आप मशरूम बिरयानी कभी भी बना सकते हैं, पर इस सीजन में मशरूम्स फ्रेश मिलती है। तो चलिए फिर इंतज़ार किस बात का, फटाफट से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए मशरूम्स, इन्हें मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन्हें कट कर देंगे। और मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन, काजू, नींबू, धनिया पुदीना, मटर। और मैंने यहाँ पे चावलों को फूलचक्री, जावित्री, तेजपत्ता और नमक डाल के उबाल लिया है। और खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है सूखी लाल मिर्च, फूलचक्री, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और जीरा। और मैंने यहाँ पे लिया है एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला। सबसे पहले हम पैन में तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसमें हम डाल देंगे जूलियन कट किए हुए अनियंस। अनियंस को हम फ्राई कर लेंगे। अनियंस जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें बोल में निकाल लेंगे। फिर हम उसी पैन में डालेंगे काजू। काजू को भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उन्हें भी निकाल लेना है। अब हम पैन में से तेल निकाल लेंगे और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी और सारे खड़े मसाले डाल देंगे जिसमें हमने लिया है काली मिर्च, जीरा, फूलचक्री, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और इलायची। खड़े मसाले को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम डाल देंगे जूलियन कट किए हुए प्याज। प्याज जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कट किए हुए मशरूम्स। अब हम इसमें डाल रहे हैं मटर। अब बाकी की चीज़ें डाल देंगे, चॉप्ड किए हुए टमाटर, फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च। थोड़ा धनिया और पुदीना डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच दही। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे नींबू का रस, एक चम्मच एवरेस्ट का बिरयानी मसाला और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़े से काजू भी डाल देंगे और हमारी बिरयानी की ग्रेवी तैयार है। अब मेरे पास इस तरह का मिट्टी का बर्तन है जिसमें आज हम दम बिरयानी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे घी। उसके बाद हमने जो मशरूम की ग्रेवी बनाई थी वो डाल देंगे। फिर हमने जो चावल उबाल के रखे थे वो डालेंगे। इसके बाद हमने जो अनियंस फ्राई किए थे वो डाल देंगे। धनिया और पुदीना, काजू और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे फिर से घी और बिरयानी मसाला। फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ग्रेवी, फिर राइस, फिर फ्राइड अनियंस, धनिया पुदीना, काजू और बिरयानी मसाला। सेम प्रोसेस को हम तीन बार रिपीट करेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के फिर आटे से अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि हम इसे दम दे सकें। अब हम गैस के ऊपर तवा रखेंगे और उसके ऊपर हम ये बर्तन रख देंगे।
मिट्टी के बर्तन को डायरेक्ट गैस पे ना रखें वरना वो फट सकता है, और गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखना है। 20 मिनट बाद हम इसे इस तरह से खोल के देखेंगे और हमारी दम बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम गर्मा गर्म मशरूम की दम बिरयानी को सर्व करेंगे वेजिटेबल रायते के साथ। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।